हेलो फ्रेंड्स और फैंस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना फॉर्मल भाई पिसा से हम आ चुके हैं, फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतर गए अपने सूट थ्री पीस सब कुछ उतार के फेंक दिए, वापस आ गए अपने बैटमैन वाले टी शर्ट में। तो जी, सीन ये हुआ था कि जैसा कि आपको पता होगा, दो तीन दिन पहले हुए थे पिसा अवार्ड्स, यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स। पहले जब मुझे इनका मैसेज आया, मैंने बड़ा इनको लाइट लिया हुआ था। मैंने कहा हो रहे होंगे कहीं साहिवाल में, ऐसे आइसक्रीम कप को उल्टा करके कागज़ का एल लगा के वो देते होंगे अवार्ड्स। मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। बाद में पता चला वो यार ये तो दुबई में हो रहे हैं। अब दुबई में कोई चीज़ ऐसे लाइट तो नहीं होती ना, और मतलब सारे सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे, टीवी वाले सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे। मैंने कहा ये तो फिर हैवी सीन होगा। खैर तब तो उसकी मतलब इतनी हाइप भी नहीं मची हुई थी ना, आहिस्ता आहिस्ता हुई थी। जब हमारा आखिरी टाइम आ गया, यानी कि जब हम जाने वाले थे, तो जी मैं पूछा भाई आपने टिकट क्यों नहीं भेजी। तो भाई साहब कहते हैं सर जी बस दो मिनट, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है आपसे, आपकी मतलब क्या औकात है, मेरे पास तो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, अभी उनको भी देनी है, तो इजी आपका नंबर भी आएगा। मैं ठीक है, मुझे ऐसे लगा मैं किसी सरकारी ऑफिस में गया हूं और जो है लाइन में लगा हुआ हूं, ठीक है आ जाएगा मेरा भी सीन। तो साथ मैंने बाकियों से पूछा भाई डक्की भाई साहब क्या हाल है, आपको भी ये लोग भेज रहे नहीं भेज रहे, कोई टिकट भेजी नहीं भेजी। मोरू से पूछा कि भाई क्या सीन है, उसने कहा मुझे भी अभी तक नहीं आई। कर कुराते हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब पिस ऑफ होने लग गए। मैंने तो कहा था भाई मैं तो जो है ना मैं फट पड़ूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठा हूं। मैंने जो है लाइव हरीम फारूक का डांस देख रहा है, अवार्ड मिले ना मिले, ये क्या बात हुई। मैंने कहा अगर ये नहीं होता तो मैं तो वीडियो बना देता हूँ, ये पिसा अवार्ड जो है ये फिर पिस ऑफ अवार्ड हो जाएंगे, कोई सीन नहीं है। खैर आखिरी टाइम पे उन्होंने टिकट भेज दी मुझे। मैंने कहा चलो शुक्र है भाई। डकी ने भी कहा भाई ओके गुड सीन है, चलो चलते हैं। दुबई की मिली नहीं, आबू धाबी पहले गए हम, पहले आबू धाबी गए, आबू धाबी से फिर हम दुबई वापस आए, कोई डेढ़ घंटे की राइड। एनीवेज जब हम आबू धाबी पहुँचे हैं तो हमें वहाँ पे पिक करने आए एक शख्स, ऐसे जो है वो अरबों का बिग शो, वो अरबों का बिग शो हमें पिक कर रहे हैं मर्सिडीज़ में। पहले तो हमने वो मर्सिडीज़ देखी, डक्की ने मुझे देखा, मैंने डक्की को देखा, हमारी इधर से थूक टपकने लग गए कि आई मर्सिडीज़ क्या। हम उधर जो है उबर मिनी कराते थे, अभी मर्सिडीज़ में बैठे क्या बात है। तो ऐसे होता है ना, गरीबों को अचानक से खुशी दे दो तो वो तो चुते हो जाएंगे ना। पहुँच गए हम किसी तरह, सर जी वर्साची डिलक्स किस्म के वर्साची होटल में हमने स्टे किया। वो होटल का हम पूछ रहे थे उस अरब से, वो भिक्षो से, कि भाई कहाँ है हमारा स्टे। तो इसे वर्सो से फिगर आउट नहीं कर पाया वर्सो से क्या है। मैंने सर्च किया, बाद में देखा अच्छा वर्साची, ओह माय गॉड। कल को थे हमारे अवार्ड्स। अब आपका भाई तो पहले अवार्ड थे जिंदगी के, सबने बोला था भाई तूने सूट बूट में जाना है, बहुत चिकना लगना है, तुम पे जिम्मेदारी है, लाजिम है तुम पे। तो भाई मैंने सोचा ये तो मेरे पे वाजिब है कि मैंने उधर सफिस्टिकेटेड तरीके से एक बड़े सूट पीस यू नो थ्री पीस पहन के जाऊँगा और यू ऐसे अमीरों की तरह यू नो और हंसूँगा भी से अमीर इस तरह हंसते हैं एक बार मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इस तरह जो है ना अपना ये एक टॉर बदल के हम लोग जाएंगे, अगर ठीक है गुड सीन है। अवार्ड का दिन आ गया, आपका भाई इतना फुल शशु तैयार हुआ था, सही कोई दूल्हे का भाई लग रहा था। मैं तैयार हुआ, बाकियों को देखा वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलो कंपटीशन है ठीक है। तो अवार्ड शो में हम चले गए, वहाँ पे फिर मैं देखा भाई क्या स्टेज बना हुआ है। उन्होंने मुझे बताया कि ये तो लक्स और हम स्टाइलिंग सबसे बड़ा बहू रामी किस्म का जो इवेंट है, 10,000 लोगों की सीटें हैं, सामने वाली खैर खाली थी, लेफ्ट राइट पे लोग बैठे हुए थे, चिल्ला रहे थे, गुड सीन था, सेलिब्रिटीज़ की अलग लाइनें थी, बड़ा शशुदा प्रोटोकॉल था। मैं यार आज तो इतनी इज्जत तो मुझे अपनी माने नहीं थी कभी, और यही वजह है कि मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव इन द मोमेंट ब्रो, इन द रिकिंग मोमेंट। मैं ये नहीं चाह रहा था कि ऐसा ओके है गाइस क्या हाल है आप सबके, मारा खान जा रही है मारा हालो। हाँ तो गाइस अभी हम आ चुके, मेरे से नहीं होना था। अब शुरू हो गया अवार्ड। अब अवार्ड में ऐसा होता है ना, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं छोटों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं और मतलब ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं ना, जैसे इसी तरह से एपेटाइज़र पहले खाते हैं, फिर मेन कोर्स खाते हैं, फिर आखिर में डेजर्ट। तो उन्होंने शुरू कर दिया हमसे अवार्ड शुरू कर दिए। बेस्ट इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्रामर का हुआ, अपनी दोस्त हेरा ब्ली जीत गई, तो हेरा ब्ली वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू,
और फिर जी अवार्ड आए अपने मतलब के, वो थे जी व्लॉगर के। अब व्लॉगर की नॉमिनेशन आई, उसमें तो मतलब के भैया पत्थर पे लकीर है ना कि व्लॉगर की कैटेगोरी में जो भी हो, अगर मोरू भैया हैं तो एंड होगी ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, मोरू भैया को अवार्ड थमा दो। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि भाई इस बंदे का कंटेंट ऐसा है कि हमें पे करके दिखना चाहिए, दिस इज़ लाइक प्रीमियम शिट मैन, यूट्यूब रेड पर डालना चाहिए उसको, प्रीमियम शिट है, पे करना चाहिए उसको। क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें बनाता है ये, वो भाई बड़ी कंपनियां बनाती हैं, बड़ी कंपनियां, बड़े प्रोडक्शन कंपनियां जब मिलती हैं तो ऐसी चीज़ लेके आ सकती हैं। वन मैन कैन डू इट मैन, वो अपने मोरू भैया को नहीं मिली। थोड़ा समय हुआ, क्या बात है, मेरे फेवरेट बंदे को, लेकिन जो भी है जैद अली को मिल गई तो कंग्रेचुलेशंस ब्रदर, आपके व्लॉग्स भी बड़े इंटरटेनिंग होते। अब मेरे फेवरेट की बात तो नहीं चलेगी ना भाई, यूज़र्स हैं, नंबर ऑफ वोट्स काउंट करते, तो वो तो इस तरह हो गया। अब आ गई अपनी कैटेगोरी, अपनी कैटेगोरी में कौन था हमारे साथ कंपटीशन करने में, अपने लोग। मैं शुरू से एक्सपेक्ट करके क्या था भाई, मेरे को तो अवार्ड मिलना नहीं है, एक्सपेक्टेशन रख के जाना ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन रख के जाएंगे वो हमें नहीं मिलेगा तो मुंह जो है वो अजीब किसी गरीब औरत के पर्स जैसा बन जाएगा, तो ये करना ही नहीं है। जब जैसे वो बोलने लगे ना कि आपको क्या लगता है कि अवार्ड किसको मिलेगा, तो अचानक से ना ऐसे मेरे अंदर से ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन जैसे ही वो नाम आया डाकी बॉय, फिर मैंने कहा यार ये भी तो दोस्त है, ये भी तो पड़ोसी आदमी है, फिर मैं दिल से खुश हुआ, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू ब्रदर डकी। क्योंकि भाई मैंने देखा इस बंदे के लिए लोग कितना प्यार करते हैं, मतलब जैसे ही उसने पूछना शुरू किया कि आपको क्या लगता है कि अवार्ड किसको मिलना चाहिए, तो सारे लोग चिल्लाने लगा डाक, इतनी आवाज़ें नहीं थी भाई, धाड़ रहे थे लोग, धाड़ रहे थे, ये मायरा खान, ये नूर जफर, इनके लहंगे हिल रहे थे, 3-4 मिनट तक हवाएं चलती रही हैं भाई, बिजली गरजने लग गई, स्टेज पूरा हिलने लग गया, ये थी ताकत, ये था पावर ऑफ सोशल मीडिया। उधर से डक्की को अवार्ड मिला है, शाविर को जो है वो शाविर के लिए दूर से लड़कियाँ चिल्ला रही हैं भाई शाविर शाविर शाह, सबको पता चल गया भाई ये लौंडे जो आए हैं ना, ये कोई जो बच्चे नए आए हैं, दे आर समथिंग। क्योंकि पहले तो इस तरह था कि भाई ये टीवी है, ये फिल्म इंडस्ट्री है, इधर ये लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, और अचानक इन्होंने देखा ये पीछे कौन है, ये क्या यूट्यूबर ये क्या है, और ये बढ़ क्यों रहा है आस्ता आस्ता, अरे ट्रेंडिंग पर जाओ, हमारे ड्रामे से ऊपर चले गए, अरे क्या, इनको पकड़ो इधर अवार्ड में डाल देते, दोस्ती बना लेते हैं। जैसे दोस्ती बनाई इनको पता चला कि यार हम भी जना हम भी हैं। जिसको ये अवार्ड मिल गए उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसको नहीं मिले कह रहे यार मेरे को भी तो नहीं मिला। लेकिन एक बात वो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो हमारे जो अवार्ड्स ना, हमारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं, इनके वो पूरे के पूरे आप नंबर ऑफ वोट्स पे ना रखो भाई। अगर आप पूरे नंबर ऑफ वोट्स पे रखते हो फिर तो बड़ा ईजी सीन है जज करने के लिए भाई, जिसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा अवार्ड उसका है, तो ये तो इसमें तो कोई गेम ही नहीं है। कोई जूरी शूरी भी रखो भाई साहब, कोई वो जो है ना सारी टेक्निकलिटीज़ देख रहे हो कि भाई ह्यूमर लेवल इतना है, ये रोस्टर है, ये वो है, ये प्रैंकस्टर है, इसका अच्छा कितना एंगेज कर रहा है, ये वो सारी चीज़, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये हमारे यूट्यूब की इंडस्ट्री भी तो छोटी नहीं है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। और इस सारे अवार्ड से ज़्यादा मुझे अपने यूट्यूब फैन फेस्ट का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि उधर होता है अपना भरम, अपना भरम वो जब होगा ना पता नहीं कब सुनेंगे, सुजैन बाजी ये कब कराएंगे आप यूट्यूब फैन फेस्ट। इधर मिसमैनेजमेंट बहुत हुई है कि बड़े सेलिब्रिटीज़ को नॉमिनेट किया उनको बुलाया नहीं है, जो भी हुआ है भाई जिस भी तरह से हुआ है पीसा वालों इसको थोड़ा सही कर दो, ये दो चीज़ें सही करो, अपनी मैनेजमेंट ठीक करो, और जो यूट्यूबर्स हैं इनको थोड़ा सा जज करने के क्राइटेरियाज सिर्फ नंबर ऑफ वोट्स पे ना रखो, एक फार्मूला बना दो कि भाई नंबर ऑफ वोट्स भी काउंट करते हैं इतना परसेंट, और जो है जूरी भी देखती है सारा कुछ। अगेन कंसिडर किया कि भाई ये भी कोई लोग हैं, दे आर वर्किंग, उनको जो है रिकग्निशन मिलनी चाहिए। वैसे रिकग्निशन तो हमें अपने जो है लोगों के प्यार से मिल रही है, लेकिन स्टिल एक रिवॉर्ड जब मिलता है तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो उन्होंने ये चीज़ कंसिडर की है, हमें नॉमिनेट किया है, इसके लिए हम सारे यूट्यूबर्स बड़े खुश हैं। लेकिन इसके जजिंग की क्राइटेरिया को ज़रा और जो है वो आप इसमें ज़रा इसको और तराशें। ये सब के बाद मज़े की चीज़ ये हो गई है कि कॉम्पिटिशन शुरू हो गया है, जो कि भाई किसी के लिए हेल्दी होगा, किसी के लिए हेल्दी नहीं होगा। हर कंपटीशन सब के लिए हेल्दी नहीं होता। मतलब पहले ये था कि भाई हर कोई अपना काम कर रहा होता था, हम लोग तो सब्सक्राइबर भी एक दूसरे का नहीं देखते थे, लेकिन जब आप नंबर ऑफ वोट्स पे ये सारी गेम रख देंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा यार हमारे तो सब्सक्राइबर इससे कम है, ये तो बढ़ाने पड़ेंगे।
और बढ़ाने तो पड़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन ये गेम इस तरह की है कि अगले को क्रॉस करना पड़ेगा, ये क्रॉस करना पड़ेगा, जो ये एक मेंटेलिटी अंदर बैठ जाएगी तो ये दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर अस। क्योंकि मेरा मानना है कि आपका कॉम्पिटिशन होता है आपसे, आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हो, फिर कल कहाँ होगे, इसी तरह जो है ना आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, आपको अपने आप से मुकाबला होना चाहिए, वो होता है हेल्दी कंपटीशन अपने लिए। एंड में कर देते हैं मुद्दे की बातें ज़रा रिवाइज। पहला, पीसा वालों ने हमें कंसिडर किया, नॉमिनेट किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। लेकिन पीसा वालों, जजिंग के क्राइटेरिया को एक जूरी रख दो, उसको थोड़ा सही कर दो, मैनेजमेंट अपनी ठीक कर दो, बाकी जिन्होंने भी अवार्ड्स जीते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिल की खुशी हो रही है, उन सबको कंग्रेचुलेशंस। और जो मेरे फेवरेट लोगों ने नहीं जीता उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो जी, ये हुआ था सब कुछ और ये थी मेरी इस पर राय। व्लॉग में नहीं कर सका, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, काश मैं कर पाता, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ व्हाट इट वाज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क देन सब्सक्राइब बोथ माई चैनल्स, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मतलब समझे दया।